हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्लेस ऑफ लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावा की सीरीज में हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में ये देखा था। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, अब अगर आपको लास्ट की वीडियो में ऑपरेटर्स में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ फर्दर वीडियोज में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जावा में कि कीवर्ड क्या है ये समझना। ओके, सबसे पहले थ्योरी देखते हैं कि जावा में कीवर्ड की थ्योरी थ्योरी क्या है। ओके, जावा कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स आर पर्टिकुलर वर्ड्स दैट कैन एक्ट एज अ की टू अ कोड। दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स बाय जावा सो दे कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम। मतलब हो गया कि जावा में जो कीवर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसको एक उसका पीछे प्री डिफाइंड कोड है। ठीक है, कोई वर्ड है उसका प्री डिफाइंड कोड है, वो जो कीवर्ड है वो उसी काम के वही कोड एग्जीक्यूट करेगा। वो कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक सिंपल एग्जाम्पल दें, अभी तक हमने जितना भी थोड़ा बहुत कोड किया उसमें हमने मेन क्लास जरूर बनाई है अपनी, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब ये पब्लिक, ये स्टैटिक, ये वॉइड, ये मेन, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है, कीवर्ड है जावा में। इनका एक पर्टिकुलर काम है। लाइक मेन मेथड का क्या काम है कि ये जब भी हमारा कोड कंपाइल होता है, जो भी हमने उस कोड में लिखा है, तो सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर होगा वो मेन कीवर्ड ढूंढेगा कि ये मेन कीवर्ड कहाँ है। जब वो मेन कीवर्ड देख लेगा कि ये हाँ ये मेन मेथड है, फिर वो देखेगा कि ये हाँ कि ये वाला कोड मुझे यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो क्या हो गया कि सिंपल भाषा में हो गया कि कीवर्ड क्या है जावा में, एक रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर कोड पहले से डिफाइन है और वो उसी काम के लिए यूज होंगे। उसको हम और कहीं लाइक मेन क्लास, किसी भी क्लास का नेम हम मेन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। उसका काम क्या है, मेन मेथड क्रिएट करना जिससे हमारा कंपाइलर पहचान पाए कि मेरा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड हैं, लाइक 52 के अराउंड है आई थिंक। उनमें से कुछ हमने आज थोड़ा बहुत देखेंगे कि जावा में क्या कितने कीवर्ड हैं और समझेंगे, और जो और है वो हम कोड के साथ साथ सीखते जाएंगे आगे की वीडियोज में। तो पहला हमारा, जैसे ये एग्जाम्पल में लेता है बूलियन। बूलियन क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है जावा में जिसका काम है हमें वैल्यू रिटर्न करना ट्रू या फॉल्स की फॉर्मेट में। अब ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में हमें लाइक कोई भी हम कोड लिख रहे हैं वहां में हम वहां पे हमें हमें रिटर्न में कोई भी चीज ट्रू या फॉल्स में चाहिए, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, बूलियन यूज करेंगे कि मुझे मेरी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करो। तो बूलियन क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया जिसका काम क्या है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। ऐसे ब्रेक, ब्रेक क्या है, ये क्या करता है, हमारा जो लूप है एंडलेस लूप है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा कि ये जो लूप का जो करंट फ्लो है इसको यहाँ पर्टिकुलर जगह पे ब्रेक कर दो। ठीक, तो ब्रेक क्या है, लूप को एंड करने में हेल्प करता है। तो ब्रेक का काम क्या है, लूप को तोड़ना। बाइट, ऐसे बाइट क्या है, बाइट 8 बिट की जगह को मिला के 1 बाइट बोल देते हैं, तो 1 बाइट का मतलब होगा 8 बिट मेमोरी एलोकेशन। तो इसको मिला के बाइट क्या हो गया, कीवर्ड हो गया जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 8 बिट की जगह ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स ले रहा है। लाइक जो बुलियन है, बुलियन 1 बिट लेता है, 1 बिट मेमोरी मेमोरी लेता है। ठीक है, ऐसे ही और भी कीवर्ड है जावा में, लाइक हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये कुछ 50 कीवर्ड्स है यहाँ पे, उनमें से हम कुछ आज कुछ समझ लेते हैं। लाइक हमारा फ्लोट है, फ्लोट क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है। ये क्या करता है, हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट में लेता है, पॉइंट में। लाइक आपकी कोई परसेंटेज है 76.5, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, फ्लोट में है। ठीक है, इफ क्या है, जैसे हम लूप लूप लगाते हैं तो उसमें हमें कुछ कंडीशन लिखनी है कि अगर मेरी 5 जो है मेरी 10 से छोटा नहीं है तो ये वाला चला दो, अगर छोटा है तो ये वाला, इफ एल्स लूप लिखते हैं। अभी क्या है, अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में अब
यही पढ़ेंगे कि जावा में इफ लूप इफ एल्स लूप कैसे मतलब लगाते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, ये क्या एक्सेस मॉडिफायर्स है, इनका भी पर्टिकुलर काम है। प्राइवेट का क्या काम है, प्राइवेट का काम है अगर मैंने किसी भी वेरिएबल क्लास या फिर मेथड के साथ मैंने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया, तो वो जो डेटा मेंबर या क्लास होगा वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उसको क्लास के बाहर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्राइवेट क्या कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू द पर्टिकुलर क्लास और मेथड और डेटा डेटा वेरिएबल। ओके, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर वर्क हो गया। प्राइवेट का काम क्या है, अगर मैंने किसी भी मेथड के साथ प्राइवेट लगा दिया तो वो मेथड कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। लाइक मैंने अपनी आईडी बनाई कोई भी किसी भी वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, तो वो जो आईडी होगी वो प्राइवेट होगी। ठीक है, कि मेरा जो पासवर्ड है वो प्राइवेट है, कि वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उसको। तो वो जो पासवर्ड होगा जो उसमें कोड में लिखा होगा वो प्राइवेट होगा, जिससे उसको कोई एक्सेस ना कर पाए बाहर। तो प्राइवेट का काम क्या हो गया, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करना। ऐसे रिटर्न, रिटर्न का काम क्या है, जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं अगर हम उसका उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा, अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो वो वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना, अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए हमें जब हम उसको रिटर्न करेंगे, लाइक मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट। ठीक है, तो वो जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, तो जब वो मेथड खत्म होगा उसके ब्लॉक के अंदर हम मुझे रिटर्न लिख के उस वो जो वैल्यू है जो भी कुछ हम रिटर्न करना चाहते हैं वो वहां पे मुझे लिखनी होगी। तो ऐसे ही हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ काम है, वो पर्टिकुलर वर्ड का कुछ पर्टिकुलर काम डिफाइन है और वो उसी काम के लिए यूज होगा। सिंपल ये हो गया। ठीक है, अब ये बहुत सारी कीवर्ड हैं, ये तो हम एक वीडियो में नहीं देख सकते, जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे कीवर्ड यूज होंगे और आपको समझ में आते जाएंगे कि कीवर्ड इनका पर्टिकुलर काम क्या है। ठीक है, सो इसके साथ हमारी थ्योरी पार्ट जावा में कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली वीडियो से क्या करेंगे, कोडिंग पे स्विच करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से कि इफ लूप कैसे लिखते हैं, स्विच केस कैसे लिखते हैं, ये सब करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड माय वीडियोस। थैंक यू।